प्रकरण 12वां, माँ रानी, उसकी लेखिका महादेवी वर्मा। उसका जन्म सन 1907 ईस्वी सन, निधन सन 1583 ईस्वी सन। हिंदी साहित्य में महादेवी वर्मा अर्थात मैं निर्भरी दुख की बद्री और तुमको नींव में ढूंढा, तुम में ढूंढी पीड़ा कहने वाली, सहृदय, भावुक, अत्यंत संवेदनशील और समग्र नीव सृष्टि पर अनुकंपा बरसाने वाली सायावादी युग की अप्रतिम रचनाकार, सायावादी युग के चार स्तंभ गिने जाते हैं, उसमें पहला स्तंभ है प्रसाद, दूसरा पंत, तीसरा महादेवी और चौथा निराला है। इनमें प्रसाद के साथ प्रसाद के साथ सदैव इतिहास बोध रहा है। पंत प्रकृति के कोमल कांत पदावली के रचनाकार के रूप में पहचाने गए हैं। निराला अपनी ओजस्विता और रौद्रता के लिए तो महादेवी धीर गंभीर, दर्द और अपनी दास्तान सुनाने वाली कवियत्री के रूप में पहचानी गई है। उसका जन्म फरुखाबाद में यानी के उत्तर प्रदेश में जन्मी महादेवी सही अर्थ में एक विदुषी और प्रगल्भा नारी के रूप में समग्र जीवन जी गई है। मुख्यतया महादेवी कवियत्री रही, किंतु स्मृति की रेखाएं जैसी रचना के द्वारा उत्तम गद्यकार, रेखा चित्रकार के रूप में अपनी पहचान बनाने में सफल रही है। प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्राचार्या और गुरुकुल के पद पर रहकर शिक्षा के क्षेत्रों में अपने अनुपम योगदान दिया है। निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्वी गीत, दीपशिखा, अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं आदि आप बहुचर्चित एवं लोकप्रिय रचना है। यहाँ हम बात करते हैं रानी की सारांश कथा। यहाँ रानी नामक एक घोड़ी है, उसके दो साथी है। पहला साथी का नाम निकी है, दूसरा का नाम रोजी है। उसके साथ वो आई है और उसका बड़ा मार्मिक और भावुक शैली में उसका वर्णन किया गया है। ऐसा लगता है कि एक नेवला और एक कुत्ती और यह घोड़ी हमारे सामने ही है। पशु पंछी और निर्दोष भोले ऐसे प्राणियों के प्रति महादेवी जी का स्नेह और प्रेम से लगता नजर आता है। आप देखें पाठ, रियासत का अर्थ होता है जूने पुराने राज्य। रियासत होने के कारण इंदौर में शानदार घोड़े और सवारों का आधिपत्य था। उसके अतिरिक्त हम अंग्रेजों के बच्चों को छोटे टट्टुओं या सफेद गद्दों, इसके जाति के संबंध में रामा ने हमारा ज्ञानवर्धन किया था, पर हमने घूमते देखा था। यहाँ लेखिका बताती है कि पहले अंग्रेजों के जमाने में जो उसके छोटे बच्चे थे वो सफेद गद्दों पर बैठाया जाता था। रामा की कहानियों में तो राजा अपराधियों को गद्दे पर बैठाकर, गद्दे पर चढ़ाकर देश निकाला देता था। उन्होंने गद्दों पर बैठकर प्रसन्नता से घूमते देखकर विश्वास नहीं करना कठिन था कि उन्होंने दंड मिला है। रामा के पास हमारी जिज्ञासा के समाधान था। उन्होंने विलायत में गद्दे पर बैठने का दंड देकर भारत भेजा गया है, क्योंकि यहाँ यह वाहन नहीं है।
जो आगे देखे तो रामा ने हमारा मन का समाधान किया कि जो अंग्रेज से वो बाहर वो हमारे देश में आए थे उसमें उसको दंड देकर उसके बच्चों को गद्दे पर बैठकर भारत से निकाल दिया है। वही समाधान हमने रामा ने हमारे सामने किया है। आगे देखे एक दिन हम तीनों ने बाबूजी को मौखिक स्मृति पत्र मेमोरेंडम दिया कि हमारे पास छोटा घोड़ा न होने की अन्याय की बात है। यदि अन्य बच्चे को घोड़े पर बैठने का अधिकार है तो हमें यह अधिकार मिलना चाहिए। माँ देवी वर्मा बताती है कि हमें तीनों बच्चों ने बाबूजी को मौखिक कहा कि हमें तो घोड़ा चाहिए, इसलिए हमारे लिए छोटा घोड़ा नहीं है तो हमारे लिए अन्याय है। वो अन्याय नहीं हम सह सकते, इसलिए हमारा अधिकार है कि हमने घोड़ा वो हमारे बैठने के लिए घोड़ा मिलना चाहिए। आगे बाबूजी ने हंसते हुए पूछा, सफेद टट्टू पर बैठोगे? उसका मतलब है, बाबूजी हंसते हुए हम तीनों से कहा बात की कि तुम सफेद गद्दा गद्दे यानी टट्टू पर बैठोगे? तुम कहो तुम कहो, वो बारे बारे हमको पूछने लगा। और उसके साथ ठेलम ठाल के उपरांत मैंने आगे आकर गंभीर मुद्रा में उत्तर दिया, अगुआ यानी के आगे आकर, सफेद टट्टू तो गधा होता है जिस पर बैठकर सजा दी जाती है। पता नहीं हमारे ज्ञान के वज्रास्त्र को स्तोत्र रामा को बाबूजी ने डांटा या नहीं, परंतु कुछ दिन बाद हमने देखा कि एक छोटा सा चॉकलेटी रंग का टट्टू आंगन के पश्चिम वाले बरामदे में बंधा गया, हमारे लिए कोई व्यवस्था कर दी गई कि मेरे लिए एक चॉकलेटी रंग का एक छोटा टट्टू लाया गया और पश्चिम वाले बरामदे में उसने बांधा गया। बरामदे तो घोड़े बांधने के लिए बनाया नहीं गया था, अतः बाहर के टट्टू को लाने के लिए दीवार में एक नया दरवाजा लगाया गया, इसलिए हमारे लिए नई नई व्यवस्था घर में की गई और उसका मालिश और खाने पीने और घूमने आदि के देखरेख के लिए एक चुट्टन नाम का साइस रखा गया। छुट्टन नाम का साइस यानी कि छुट्टन उसका नाम है, साइस घोड़े का जो देखभाल करता है, जो रखवाली करता है, उसका खाने पीने की यानी घूमने की और मालिश करने की सब व्यवस्था करता है, उसको अंग्रेजी में साइस कहा गया है। अब आगे, अब तो हम उस छोटे टट्टू से बहुत प्रभावित और आतंकित हुए। पहले हमें ये टट्टू देखकर पहले तो खूब प्रभावित हुए और दुखी भी हुए, आतंकित हैं हमारे अन्य साथी जीवों के लिए। न मकान में कोई परिवर्तन हुआ, न कोई विशेष नौकर रखा गया। रामू को तो नौकर कहा ही नहीं जा सकता क्योंकि वो हमारे ऊपर एक आधिपत्य जमाया गया था, क्योंकि वह हमें डांटने फटकारने के लिए तदुपरांत हमारे कान भी खींचता था और हमारी खिड़की तक दरवाजे में परिवर्तित नहीं हो सकी जिसके हम रोजी और निक्की के साथ कूदने और कष्ट से मुक्त हो सके। बाबूजी ने यह सुनकर भी यह टट्टू हमारी सवारी के लिए आया है। हम यह सब 4-5 दिन उससे रुष्ट यानी कि
उसके प्रति द्वेष भाव और अप्रसन्न रहकर घूमते रहे, वो हमने पसंद नहीं था। परंतु अंत में हमारी मित्रता प्राप्त कर ली। रामा से उसका नाम पूछने पर हमें अज्ञात यानी के मालूम हुआ कि उसे उसका नाम ताजरानी कहकर पुकारा जाता है। ताजमहल का चित्र हमने देखा था और रामा और कल्लू को माँ को भी सब कहानियों में रानी के सुख दुख की गाथा सुनते सुनते हम उसके प्रति बड़े सहृदय हो गए। ताजमहल जैसे भवन की रानी होने पर भी यहाँ से कहानी की रानी की तरह निकाल दी गई है। यह कल्पना करते करते हमारी सारी ईर्ष्या और सारा रोष करुणा में पिघल गया और हम उसे और अधिक आराम देने के लिए उपाय सोचने लगे। आगे वह इतनी सुंदर थी कि अब तक उसकी सभी आंखों में बसी जैसी है। उसका हल्का चॉकलेटी चमकदार रंग जिस पर दृष्टि फिसल जाती है, दृष्टि फिसलना यानी कि उस पर हमारी दृष्टि जमी रहती है। बड़े छोटे कानों के बीच में माथे पर झूलता आयल का गुच्छा यानी कि बाल का गुच्छा होता। बड़ी काली स्वच्छ उसकी पारदर्शक जैसी आंखें, लाल नथुने नथुने यानी के उसका नाक का अग्रभाग उसके फूला फूला कर चारों ओर गंध लेती रहती, उजले दांत और लाल जीभ की झलक देखते हुए गुलाबी ओठों वाला लंबा मुंह जो लोहा सबाते रहते पर क्षत विकसित तो नहीं होता। जो घोड़े होते हैं या गधे होते हैं उसमें जो उसके काबू में रखने के लिए उसको जो लगाम दी जाती है उसमें लोहे का जो एक पदार्थ होता है उसके मुंह में डाला जाता है और उसको सबाते रहते हैं और उसका उसमें दांत यानी कि जीभ को नुकसान विकसित यानी कि नुकसान नहीं करता था। ऊंचाई के अनुपात उससे पीठ की चौड़ाई अधिक है। सुडौल मजबूत पैर और सघन पूंछ जो मक्खियाँ उड़ाने के क्रम में मोर छल यानी कि मोर पीछ का जो गुच्छा होता है उसकी तरह वो घुमाते हैं उसकी पूंछ को मक्खियाँ उड़ाने के लिए समान उड़ती गिरती रहती है। उस समय यह सब समझने की बुद्धि नहीं थी परंतु उसके दीर्घकाल के उपरांत भी स्मृति पर वे रेखाएं ऐसे उभर आती है कि जैसे किसी अदृश्य शाही से लिखे अक्षर अग्नि के ताप में प्रत्यक्ष होने लगते हैं। अस्तु जय हिंद।